ये एकदम लग रहा है जैसे बगीचा बन गया है, पानी है ही नहीं इसमें, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बगीचा हो गया है और पब्लिक को रुकाव ही नहीं मिला है और ये पक्षी तो बेचारे कुछ खा ही नहीं पा रहे। हालात तो बहुत खराब जो हो रहे हैं, ये हरियाली ज़्यादा हो रही है इसमें और इसका गलत संदेश जा रहा है, जो टूरिस्ट आते हैं उनको गलत मिलता है पैगाम इसका कि ये पूरा हरियाली हरियाली, कुछ सफाई हो नहीं रही है। सफाई होती है तो 2% होती है, 20% हो जाता है क्या, सब कचरा ज़्यादा हो जाता है, बोतलें शोतलें सब फेंक देते हैं, प्लास्टिक व्लास्टिक सब डाल देते हैं, इनके लिए पक्षियों को भी नुकसान होता है, अंदर मच्छियाँ वच्छियाँ भी ऐसे ही हो जाता है, इसके लिए सफाई जल्दी होनी चाहिए। जल कुंभी ने पूरे आना सागर को चपेट में ले लिया, घेर रखा है उसको, उसको सही कह रहे हैं आप, घेर रखा है उसको पूरा, इसकी थोड़ी व्यवस्था ऐसी हो जाए, 2-4 मशीनें आ जाए या कुछ हो जाए जिससे सफाई हो जाए और जल कुंभी का पूरा ही प्रकोप खत्म हो जाए। तो ग्रीन पार्क ये एकदम लग रहा है जैसे बगीचा बन गया है, पानी है ही नहीं इसमें, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बगीचा हो गया है और पब्लिक को रुकाव ही नहीं मिला है और ये पक्षी तो बेचारे कुछ खा ही नहीं पा रहे, कुछ जलकुंभी के कारण कुछ जो आते हैं देने खाला खिलाने वो खिला ही नहीं पाते हैं उनको कुछ भी। ठीक है, आपका नाम? श्याम कुमार रामरखियानी। हाँ जी मैम, किस तरह की रूम में? हाँ जी, मैं बॉम्बे से आई हूँ और मेरे रिलेटिव्स रहते हैं इधर अजमेर में, तो बहुत एक अच्छी चीज़ है जब हम इधर आते हैं चौपाटी साइड, तो एक बहुत अच्छी बहुत मौसम के हिसाब से अगर हम जैसे घूमने आते हैं तो अच्छा लगता है, वेदर भी इतना अच्छा है आज के डेट पे, आज सनी भी है, ये धूप चुभने वाली नहीं है, अच्छी लग रही है। तो मैं अपने बेटे को लेके घूमने आई थी तो देखा चौपाटी में ये प्लांट्स जो ऊपर जैसे ऊपर ये हो रहे हैं अपना ग्रो हो रहे हैं, ये क्वाइट रिस्की है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा, लोग प्लास्टिक फेंक रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल फेंक रहे हैं, बच्चे कुछ भी हो सकता है, लाइक यू नो कोई भी डूब सकता है, तो अगर सरकार हो सके तो जो रिस्पॉन्सिबल है क्लीनिंग का, अगर ये इनिशिएटिव लिया जाए क्लीनिंग का, तो मेरे को लगता है अजमेर जैसी कोई ब्यूटीफुल सिटी होगी नहीं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, कितना सुंदर लगता है अगर? बहुत सुंदर लगता है, स्पेशली आज मेरे मामा जी हैं वो इधर मेरे बेटे को है ना टोस्ट, बच्चों को मतलब हाँ ये मछलियों को और डक्स को टोस्ट खिलाने आए थे, तो ही इज रनिंग हियर एंड बहुत खुश है वो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्लास्टिक बॉटल्स हैं, प्लास्टिक गिरा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें गंदगी फैली हुई है, तो पता है ये पल्यूट करता है वाटर को, मछलियाँ भी यही खाएगी वो भी बेचारी मर जाएगी अंदर, तो बहुत सारी जीव जंतु हैं जो वाटर इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज इट्स गेटिंग पल्यूटेड। तो कहीं ना कहीं आपको एक इनिशिएटिव उठाना चाहिए क्लीनलीनेस की तरफ। अगर से किस तरह से ग्रीन मैदान की तरह? हाँ जी, ये एक्चुअली मैदान की तरह दिख रहा है, किसी को नहीं पता चले वो तो डूब ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं हाँ क्रशर हो गया। तो बताइए क्या पर आज आना सागर में आए हैं और बहुत शानदार जगह है ये, और जयपुर से आया हूँ घूमने के लिए यहाँ पर। अभी किस तरह का क्या देखने को मिल रहा है? अभी जाए पूरी ग्रीनरी है, बहुत लोकेशन शानदार लोकेशन है, मौसम अच्छा है यहाँ का। अच्छा, जलकुंभी का किस तरह से आलम है यहाँ पर? जलकुंभी बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसको हटा भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हटाने की, गवर्नमेंट भी इस तरफ बीजेपी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है पूरा इस तरह की इसकी ओर, और पर्यटकों के लिए बहुत शानदार जगह है ये। जलकुंभी में कोई गिर जाए तो क्या बचना मुश्किल रहेगा? बहुत मुश्किल है, जलकुंभी में गिरने से मुश्किल रहेगा। क्या लगता है प्रशासन को जल्द से जल्द सफाई करानी चाहिए? बिल्कुल करवानी चाहिए, और कोशिश प्रयास जारी है इनका, प्रशासन का प्रयास जारी है। बार बार हो जाती है, ये हो जाती है, लेकिन अब इनका तो प्रयास कर ही सकते हैं ये। अब आप भी देख रहे हो कितनी तीव्र गति से ये सफाई कर रहे हैं इसकी। नाम बताइए आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन है।